सभी फ्यूचर मेडिकल स्कूल पेरेंट्स को प्रकाश बिगवाल का नमस्कार। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताना चाहेंगे कि नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन जो फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन को कंडक्ट करता है वो किस तरीके से डेटा को काउंट करता है। हमने अभी तक जिसने भी मीडिया में न्यूज़ पढ़ी होंगी हमेशा एक चीज़ हाईलाइट होती है कि फॉरेन से आने वाले सभी स्टूडेंट्स का पासिंग परसेंटेज या पासिंग रेशियो बहुत कम है, जिसके कारण बहुत बार हमारे रिलेटिव्स या जो दूसरे लोग हैं जैसे कि इंडियन मेडिकल ग्रेजुएट्स, वो हम पे ताना कसते हैं कि आपके तो पासिंग परसेंटेज इतना है, आप क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो सरकार से आप लोग फेस करते होंगे और हम पेरेंट्स के भी मन में एक डाउट आता है कि किस तरीके से यदि 20% ही रिजल्ट रहता है तो बाकी के स्टूडेंट्स क्या करते होंगे, बाकी के स्टूडेंट्स कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं। तो हम आपको बताना चाहेंगे कि हमारे पास में ये डेटा है 2003 से लेकर 2021 तक का, जिसमें ओवरऑल 256,371 स्टूडेंट्स ने अपीयर किया, जिसमें से स्टूडेंट्स पास हुए 53,958, पासिंग परसेंटेज 21.04%। अब हमारे दिमाग में आता है कि बाकी के जो 2,03,000 के आसपास जो स्टूडेंट हैं वो कहाँ हैं या वो क्या कर रहे होंगे, तो एक हमारे मन में डर रहता है। चलिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि NB किस तरीके से इस डेटा को काउंट करता है। इससे पहले मैं बता दूंगा कि सबसे कम रिजल्ट 2003 में रहा था, 3004 स्टूडेंट ने अपीयर किया था, 277 स्टूडेंट्स पास हुए थे, पासिंग लोवेस्ट परसेंटेज 9.22 2003 का था, हाईएस्ट परसेंटेज तो 2005 6,175 स्टूडेंट्स थे, जिसमें से 3,095 स्टूडेंट्स क्वालिफाई किया और 50.12 पासिंग परसेंटेज जो आज तक का सबसे हाईएस्ट है। अब हम बात करते हैं कि NBE किस तरीके से काउंट करता है और ये 2,03,000 स्टूडेंट कहाँ गए। एग्जैक्टली NBE का सिस्टम ये है कि एक स्टूडेंट, जैसे कि हमने यहाँ कुछ नाम लिखे हुए हैं, जैसे कि एलेक्स है, इन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में अपना एग्ज़ाम पास कर लिया तो इनको एक काउंट किया जाएगा। सेकंड पे मान लीजिए पीटर आता है, पीटर ने दो अटेम्प्ट लिए हैं इस एग्ज़ाम को पास करने के लिए तो उनको दो काउंट किया जाएगा। जेनी है, जेनी को तीन अटेम्प्ट लिए हैं पास करने के लिए तो उनको तीन काउंट किया जाएगा। जैक है, तो इन्होंने चार अटेम्प्ट लिए हैं तो इनको चार बार काउंट किया जाएगा। और मान लीजिए रोबिन है, इन्होंने पाँच अटेम्प्ट किए हैं तो इनको पाँच बार काउंट किया जाएगा। तो यदि आप इन पाँचों को कैलकुलेट करेंगे तो टोटल 15 स्टूडेंट्स काउंट किए जाएंगे, जबकि एज एक्चुअल ये सिर्फ 5 ही स्टूडेंट्स हैं। अब मान लीजिए 5 अटेम्प्ट के बाद ये भी पास हैं, सारे स्टूडेंट्स पास हैं, तो ये सारे पास होने के बाद हमारे पास क्या डेटा आएगा कि 15 स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम NBE में जो FMG को अपीयर किया था लेकिन पास सिर्फ 5 हो पाए हैं। अब हम पासिंग परसेंटेज किसकी निकालेंगे, इन 5 स्टूडेंट की वर्सेज इन 15 स्टूडेंट के। अब 5 स्टूडेंट पास हुए 15 में से, पासिंग रेशियो आया 33.33, लेकिन एक्चुअलिटी में ये सारे स्टूडेंट क्वालिफाई हो चुके हैं और ये सिर्फ 5 ही स्टूडेंट थे। तो जो 66% का एक गैप रहता है वो एक्चुअली एग्जिस्ट करता नहीं है। तो इसका मतलब, मेरा कहने का सेंस ये है कि ये जो 256,371 स्टूडेंट हैं जिनमें से 53,958 पास हैं, ये एग्जैक्टली 2,56,000 स्टूडेंट्स नहीं हैं, ये सेम कैटेगरी में काउंट किए जाते हैं। हमने ज़्यादा प्रिसाइजली इन्फॉर्मेशन लेने के लिए RTE फाइल किया था नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन को कि पहले अटेम्प्ट में कितने स्टूडेंट्स पास हुए हैं, दूसरे अटेम्प्ट में कितने स्टूडेंट पास हुए हैं, तीसरे चौथे अटेम्प्ट में कितने स्टूडेंट पास हुए हैं, और यहाँ तक कि अप्रोक्स मेरे ख्याल से 10% स्टूडेंट ऐसे हैं जो आज तक पास नहीं हुए हैं, भले उन्हें 5 अटेम्प्ट दिए हों, 6 अटेम्प्ट दिए हों, लेकिन वो हर बार अटेम्प्ट देते रहते हैं। और ऑलमोस्ट 10% स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो अपना कुछ दूसरा काम कर रहे हैं या फिर ओवरसीज एजुकेशन कंसल्टेंट बन गए हैं और वो जा जाके एग्ज़ाम देते रहते हैं सिर्फ उस रिजल्ट को बेकार करने के लिए वो योगदान देते हैं। हालांकि पढ़ा उन्होंने होता नहीं पूरी साल वो बिजी रहते हैं एडमिशन्स लेने में और ईयर के एंड में जाके समझिए फेल हो जाते हैं। तो अब यदि हम इसको कैलकुलेट करें कि हम इनको एक परसेंटेज वाइज बेसिस पे, क्योंकि NBE के पास कोई डेटा नहीं था तो उन्होंने हमें कोई डेटा नहीं दिया, हम सिर्फ एक एजम्पशन पे चलते हैं, हो सकता है मैं सही हूँ गलत हूँ, 5% ऊपर हो 5% नीचे हो, लेकिन हमारा इरादा सिर्फ आपको बताने का है कि रियलिटी क्या है और कैसे NBE काउंट करता है। इसमें हम नहीं कह रहे कि NBE ने कोई गेम किया है, क्योंकि उनका सिस्टम है काउंट करने का तो उस हिसाब से काउंट कर रहे हैं। तो चलिए हम 256,371 के फिगर को एक बार चेक करते हैं। जैसा कि आपको अभी हम पूरा डेटा बताते हैं कि 19 ईयर्स में 38 टाइम्स एग्ज़ाम हुआ FMG का, जिसमें अपीयर हुए 256,371 लेकिन स्टूडेंट्स क्वालिफाई हुए 53,958, तो पासिंग परसेंटेज आया 21.04%। अब जैसा कि हमने आपको बताया कि NBE की तरफ से हमें कोई क्लियर डेटा नहीं मिला जिसके हिसाब से हम बिल्कुल प्रिसाइजली वीडियो बनाते, लेकिन हमने एक यहाँ पे अनुमान लगाया है जिसमें हमने
परसेंटेज अपने हिसाब से कैलकुलेट किया है, हो सकता है यहाँ 5% बच्चे फर्स्ट टाइम में पास हो रहे हो सकता है यहाँ 20% पास हो रहे हो, यहाँ भी 20%, फिर ये हो सकता है और ज़्यादा भी जाए, लेकिन हमने एक एजम्पशन लिया कि 10% स्टूडेंट्स वो हैं जो फर्स्ट अटैम्प्ट में एफएमजी पास करते हैं, और 30% वो हैं जिन्होंने सेकेंड अटैम्प्ट में किया है, 30% जिन्होंने थर्ड अटैम्प्ट में किया है। हालांकि शुरुआत में जो स्टूडेंट्स थे जिनका रिजल्ट्स काफ़ी ख़राब रहा, उसका रीज़न ये होता था कि जैसे सपोज कोई स्टूडेंट रशिया गया है तो पहले उन्हें वहाँ एक साल रशियन पढ़नी पड़ती थी, फिर 6 साल वो रशियन मीडियम में MBBS करते थे, फिर यहाँ आने के बाद उनको इंग्लिश मीडियम में एग्ज़ाम देना पड़ता था, तो उनके लिए बड़े चैलेंजेस होते थे। इसलिए शुरुआती दौर के बाद से भी ये रिजल्ट्स इसी तरीके से आते गए हैं। तो अब हम लोग अजम्पशन करते हैं कि 5,395 स्टूडेंट वो थे जिन्होंने फर्स्ट अटैम्प्ट में पास किया, 16,185 स्टूडेंट वो थे जिन्होंने सेकंड अटैम्प्ट में पास किया, 16,185 वो थे जिन्होंने थर्ड अटैम्प्ट में पास किया, 20% स्टूडेंट थे 10,790 जिन्होंने फोर्थ अटैम्प्ट में पास किया, 10% स्टूडेंट वो हैं जो 5,395 स्टूडेंट्स ने पास किया। अब यदि हम इसको टोटल कैलकुलेट करेंगे तो 53,958 नहीं आएगा, 50 आएगा, क्योंकि डेसिमल्स में हम लोगों ने उसको कैलकुलेट नहीं किया है। अब इन्हीं स्टूडेंट्स को यदि हम यहाँ का कैलकुलेट करते हैं तो 10% स्टूडेंट हुए 5,395, 16,000 दो बार में किया, 32,000, 48,000, 43,000, 26,000, यदि हम इनको कैलकुलेट करते हैं तो 1,56,455 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे 2,56,000 है। अब 1,00,000 स्टूडेंट्स का डेटा यहाँ हमारे पास, इसलिए हमने कैलकुलेट कर पाया कि हो सकता है ये परसेंटेज 20% हो, ये भी 20% हो, ये 15 हो, ये 10 हो, ये और लंबा नीचे तक जाता रहे, इस कारण हमारे पास एक्यूरेट डेटा नहीं है। लेकिन अब हम यदि 1,56,455 को कैलकुलेट करते हैं और ये सोचते हैं कि 1,56,000 बच्चों में 53,958 स्टूडेंट पास हुए हैं, लेकिन एग्जैक्टली यदि हम ये बात करें, अब हम इसकी पासिंग परसेंटेज निकालेंगे तो 34.48 पासिंग परसेंटेज आएगी, लेकिन शॉकिंग बात यह है कि स्टूडेंट्स तो सिर्फ 53,958 ही थे जो कि क्वालिफाई हो चुके हैं। वैसे यदि हम ये डेटा चेक करते तो हमें समझ में आता है कि 1,03,000 स्टूडेंट भी क्या कर रहे हैं, या 1,03,000 के अप्रोक्स जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने एफएमजी पास नहीं किया है, वो जॉब नहीं कर रहे होंगे, तो हम सबके दिमाग में क्वेश्चन था कि वो भी क्या कर रहे होंगे। वेरेज वो सारे स्टूडेंट जो यहाँ हैं वो क्वालिफाई हो चुके हैं। अब जितने भी स्टूडेंट बच गए हैं या जो 256 और 156 के बीच का 1,00,000 की दूरी है, वो इस परसेंटेज का ही गेम है। यदि हमें एनबी बता देती कि एग्जैक्टली 4,000 स्टूडेंट हैं जो उन्होंने फर्स्ट अटैम्प्ट में पास किया है, और हम इस परसेंटेज को कम कर लेते, लगे 5%, इसको 20%, इसको 20%, इसको 15%, फिर इसको 10%, फिर 5%, फिर 10%, तो शायद हम ये डेटा 2,56,371 स्टूडेंट तक मैच कर सकते थे। लेकिन हमारा सिर्फ आपको इस बात की तरफ ध्यान दिलाना है कि एग्जैक्ट हमने डेटा निकाला 34%, वेरेज ये सारे स्टूडेंट पास हो चुके हैं, यानी कि जितने भी एफएमजी स्टूडेंट्स निकलते हैं उनमें ऑलमोस्ट 80% या 85% स्टूडेंट ऐसे हैं जो अपना एग्जाम्स क्वालिफाई कर चुके हैं, आज सक्सेसफुली या तो पीजी कर रहे हैं या प्रैक्टिस कर रहे हैं। इसके अलावा यदि आपको किसी तरीके का डाउट हो तो प्लीज़ आप हमें मैसेज कर सकते हैं, दे के व्हाट्सएप नंबर पर टेक्स्ट कर सकते हैं। वीडियो आपको कैसा लगता है कॉमेंट करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।